व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शोइकोत। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि Xiaomi ने कर दिया है अपना Redmi सीरीज का मोस्ट वांटेड स्मार्टफोन को रिलीज, जो कि है Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro। और आप में से बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, Redmi Note 5 Pro लेना चाहिए या फिर Moto G6 Plus का वेट करना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक में तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं करूंगा इस वीडियो में कंपैरिजन Redmi Note 5 Pro और Moto G6 Plus के, और बोलूंगा कि आपको कौन सा डिवाइस लेने में ज्यादा फायदा होगा, Redmi Note 5 Pro लेने में ज्यादा फायदा होगा या Moto G6 Plus की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग की। Redmi Note 5 आता है एकदम एल्युमिनियम यूनिबॉडी बिल्ड के साथ, और जो कैमरा का प्लेसमेंट है वो एकदम iPhone 10 की तरह है। जी हाँ, हमें देखने को मिलता है iPhone 10 की तरह वर्टिकली कैमरा प्लेसमेंट Redmi Note 5 Pro में। और अगर बात करें Moto G6 Plus की, तो लीक ये बता रहा है कि हमें देखने को मिलेगा Moto G6 Plus में 3D ग्लास बैक पैनल, और जो कैमरा का प्लेसमेंट है वो एकदम पिछले Moto X 4 की तरह होगा। तो वैसे अगर बात करें डिस्प्ले की, तो हमें देखने को मिलता है Redmi Note 5 Pro में 5.9 इंच का एक डिस्प्ले, जो आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो बहुत टॉल है और न्यू एस्पेक्ट रेशियो है। और गाइस, बात करें अगर Moto G6 Plus की, तो ये लीक आया है कि हमें देखने को मिलेगा Moto G6 Plus में 5.9 इंच का ही एक डिस्प्ले, और आएगा न्यू एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो कि है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। और गाइस, 2018 में हमें जो जो फोन मिलेगा नया, वो सारे में हमें देखने को मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, जो काफ़ी कूल है। और गाइस, दोनों डिवाइस में ही अगर रेजोल्यूशन की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले तो दोनों का सेम ही है और क्वालिटी भी सेम ही है। और बात करें अगर कैमरा सेक्शन की, तो हमें मिलता है देखने को Redmi Note 5 Pro में 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर ऑन द रियर, और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Redmi Note 5 Pro में। और रूमर ये बता रहा है कि Moto G6 Plus में हमें देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर ऑन द रियर पैनल, और फ्रंट की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा Moto G6 Plus में। तो गाइस, दोनों डिवाइस का अलग अलग स्टाइल है, हम नंबरिंग से कोई अच्छा है या फिर कोई बुरा है ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि मोटोरोला का जी सीरीज का स्मार्टफोन में कैमरा बहुत ही अच्छा होता है, उसका डायनामिक रेंज होता है बहुत ही अच्छा। और बात करें अगर Redmi Note 5 Pro की, तो ये बोला जा रहा है कि Redmi Note 5 Pro है इंडिया का कैमरा बेस्ट स्मार्टफोन। और बात करें अगर हार्डवेयर की, तो Redmi Note 5 Pro में हमें देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 636 का चिपसेट, जो आता है 4GB वेरिएंट में और 6GB वेरिएंट में और 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में। और बात करें अगर Moto G6 Plus की, तो इसमें हमें मिलेगा Qualcomm Snapdragon 630 का चिपसेट, साथ ही साथ 3GB 4GB और 6GB का रैम वेरिएंट भी। तो गाइस, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इन दोनों डिवाइस में ज़्यादा पावरफुल है Redmi Note 5 Pro, क्योंकि उसका प्रोसेसर ज़्यादा अपग्रेडेड है। लेकिन Moto G6 Plus की प्रोसेसर उतना भी बुरा नहीं है, दोनों डिवाइस का परफॉर्मेंस एकदम सेम ही होगा, हम गेमिंग बहुत अच्छे से ही कर पाएंगे, कोई लैग हमें देखने को नहीं मिलेगा दोनों डिवाइस में ही। लेकिन एट द कंक्लूजन, Redmi Note 5 Pro ज़्यादा पावरफुल होगा Moto G6 Plus से। और बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो Redmi Note 5 Pro में हमें देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी कैपेसिटी, और लीक ये बता रहा है कि हमें देखने को मिलेगा Moto G6 Plus में 3250 mAh का बैटरी कैपेसिटी। तो ये क्लियर ही है, हमें देखने को मिलेगा Redmi Note 5 Pro में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी। और Redmi Note 5 Pro में तो हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है ठीक ही, लेकिन इसमें कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है, हमें देखने को मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, और हमें उसमें देखने को मिलेगा टर्बो चार्जिंग फैसिलिटीज, और देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट भी। और बात करें अगर प्राइसिंग की, तो Redmi Note 5 Pro का जो 4GB प्लस 64GB वेरियंट है वो हमें मिलता है 13999 में, और जो 6GB प्लस 64GB का वेरियंट है वो हमें मिलता है 16999 में। और लीक ये बता रहा है कि Moto G6 Plus का जो 6GB का वेरिएंट होगा वो हमें मिलेगा 70,000 के नीचे की प्राइस रेंज में। तो गाइस, अगर आप लोग अभी कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो आग बंद करके आप Redmi Note 5 Pro खरीद सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 5 Pro बहुत ही अच्छा एक मोबाइल है। और अगर आप लोग Moto का लवर है, तो आप Motorola का वेट करिए, Motorola Moto G6 Plus का वेट करिए। सो गाइस, यू आर द वन टू डिसाइड व्हिच वन टू चूज। ऑफकोर्स Redmi Note 5 में है एक बेटर प्रोसेसर, एक जायंट बैटरी कैपेसिटी और एक अच्छा सा कैमरा, और इन द अदर हैंड Motorola Moto G6 Plus में गुड प्रोसेसर, USB टाइप सी पोर्ट और ऑफकोर्स एक अच्छा सा कैमरा। और हाँ, ये दोनों डिवाइस अपने आप में ही खास है। और 2018 में आप कौन सा मोबाइल चूज करेंगे, आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और गाइस, Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 दोनों ही डिवाइस February 22nd में 12 PM में अवेलेबल होगा Flipkart में। आप चाहे तो इन्हें खरीद सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और बात करें अगर मोटो G6 प्लस की, तो पहले ये लीक था कि हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 प्लस MWC 2018 में, लेकिन अब जो लीक आया है वो बता रहा है कि MWC में हमें देखने को नहीं मिलेगा, MWC के बाद हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 प्लस। तो देखते हैं क्या बता है मोटो G6 लाइनअप। मैं आशा करता हूँ कि हमें मिलेगा ये MWC 2018 में ही। आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा डिवाइस खरीदना पसंद करोगे। तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले कुछ नोटिफिकेशन। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो यार, लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बस इतना ही, मेरा नाम है शोकत और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।